कोई भी अगर प्लान कर रहे हो कजाकिस्तान से आप शिप पकड़ के बाकू जाना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं। थोड़ा सा दिखाया वहाँ से पूरा पोर्ट में अराउंड 1.5 किलोमीटर चल के मैं आया हूँ और आके एक हेलो गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू द चैनल। क्या चीज़ें बहुत चीज़ें मैं सोच के रखा था कि मैं हाँ यू नो शिप के थ्रू मैं जाना चाहता था कजाकिस्तान से अजरबैजान। जी हाँ मैं हूँ अभी फ़िलहाल कैस्पियन सी के पास और मैं हूँ एक पोर्ट पे, पोर्ट का नाम है क्यूरिक पोर्ट। तो बस भाई यहाँ से मना कर दे कि हम यहाँ से फ़िलहाल के लिए शिप नहीं जाता। मैं इधर उधर देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस है बहुत सारे वीडियो करना, तो फिर भी मैं बना रहा हूँ ताकि आपके पास से जानकारी रहे। तो मैं एक जगह बैठ के बात कर रहा हूँ ताकि ईजी होगा। तो मैं ये बता रहा था कि आपने देखे थे कल मैं ताजिकिस्तान से ट्रेन पकड़ के मैं कजाकिस्तान आया था। आके रात को एक अंकल जी के पास रुकने के लिए बोला था, बट वो अंकल जी के पास मैं नहीं रुका मैंने, क्योंकि वहाँ से जो स्टेशन था बेनेयू करके रेलवे स्टेशन, वहाँ से ये जो पोर्ट है पोर्ट अराउंड था 450 किलोमीटर। तो मैंने क्या किया वहाँ से हिचहाइकिंग करना शुरू किया। हिचहाइकिंग करके मैं ट्रक पकड़ के 450 किलोमीटर में आ चुका था और कल रात मैं एक ट्रक पर सोया था। सामने बहुत सारे ट्रक आपको दिख रहा होगा, ट्रक स्टैंड है, उस ट्रक के एक अंकल थे वहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर, उनके पास मैं रात को सोया था। कोई भी अगर प्लान कर रहे हो कजाकिस्तान से आप शिप पकड़ के बाकू जाना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं है। एक है आपके लिए इन्फॉर्मेशन भी है और मेरे लिए एक एक्सपीरियंस है। तो अभी ये लोग बोल रहे कि यहाँ का अक्ताई का एक एयरपोर्ट है पास, यहाँ से पास मतलब 100 किलोमीटर है, फिर से यहाँ से हिचहाइक करना पड़ेगा 100 किलोमीटर एयरपोर्ट के लिए। और वहाँ से देखते प्लान जो भी होता है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। ये 2 दिन से सही से सोया नहीं, मैं प्लान कर रहा था कि यहाँ से जाऊँगा जाके उसके बाद बाकू में जाके थोड़ा रेस्ट करूँगा जो भी करूँगा, बट अभी भी मेरा सफ़र जो मतलब बेचैनी वाला सफ़र अब तक ख़त्म नहीं हुआ। जो भी हो आपको धीरे धीरे बताते हैं। तो वैसे बहुत टाइम बैठ लिया और अभी मैं फिर से हिचहाइक करने वाला हूँ यहाँ से, मतलब यहाँ से नहीं थोड़ी देर, क्योंकि ये पोर्ट का एरिया है, पोर्ट से मुझे बाहर निकल के उसके बाद मुझे हिचहाइक करना है। तो निकलते ज़्यादा ना सोचते हुए, ट्रैवल का पार्ट ये सब होता रहता है, तो चलते हैं गाइस। मैं सामने आपको दिख रहा होगा शिप, लोडिंग या अनलोडिंग हो रहा है पता नहीं, पूरा सामने एक शिप और इस साइड एक कैस्पियन सी। हाँ चलते आगे की तरफ। तो भाई फाइनली चलते चलते मैं आ चुका हूँ कैस्पियन सी के पास और उस साइड वो पोर्ट है, आपको शिप दिख रहा होगा और यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा सनराइज हो रहा है और मैं ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ इतने करीब से कैस्पियन सी को, और वहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल सा सनसेट हो रहा है। और इस साइड आप देखो जो समंदर की लहरें होते हैं वो लहरें बर्फ़ हो चुका है, और यहाँ से अराउंड 1 किलोमीटर में जो दिख रहा है वो पूरा बर्फ़ है, ऊपर का लेयर पूरा बर्फ़ है और लहरें पूरा बर्फ़ हो गया है। आप सोच सकते हो कि ठंड किस मात्रा पे है यहाँ पे। एंड कैस्पियन सी के बारे में एक बता दूंगा, कैस्पियन सी टोटल 5 देशों से कनेक्ट हुआ है, जैसे कि ईरान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान एंड रशिया, ये 5 देशों से ये पूरा जो कैस्पियन सी है लगा है और यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता रहता है। और मैंने विकिपीडिया में पढ़ा था कि यहाँ से शिप के थ्रू आप अजरबैजान जा सकते हो, रशिया जा सकते हो, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, सब देश जा सकते हो, बट अभी किसी भी कारण पता नहीं भी बंद है। बट जो भी है मेरा एक विश लिस्ट था कि मैं कैस्पियन सी को क्रॉस करूँ शिप के थ्रू, बट वो सपना यू नो इस बार नहीं हो पाया। इतना दिन से मैं प्लान बना रहा था इंडिया बैठ के कि घर में बैठ के मैं यहाँ पर आऊँगा कैस्पियन सी क्रॉस करूँगा, थोड़ा बैठ के उसके बाद फिर से चलूँगा चाय करने के। तो भाई मैं आ चुका हूँ यहाँ से, मैं आज हिचहाइकिंग करूँगा और रोड पे 10 मिनट हो गया, एक भी गाड़ी क्रॉस नहीं की यहाँ से, और पोर्ट कुछ थोड़ा सा दिखाया वहाँ से पूरा पोर्ट में अराउंड 1.5 किलोमीटर चल के मैं आया हूँ
कार है, बहुत टाइम बाद एक कार आ रहा है, कोशिश करते हैं। मना कर रहे, बहुत टाइम बाद एक कार आया था। अराउंड 25 से 20 मिनट होगा, पूरा रेगिस्तान है। चलो अब कुछ भी नहीं दिखेगा, बस रेगिस्तानी रेगिस्तान है, उसके अंदर रोड है। हाँ गाइस, रिकॉर्ड नहीं कर पाया बट एक लिफ्ट मिला है, पता नहीं सिटी के बाहर तक जाएंगे। चलता हूँ पहले, भाई साहब ने मुझे हिचहाइक दिया, क्या बताओ, बाहर इतना ठंड था। क्या जब मिनिया जाओ, अभिजीत 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 दादा फ्रॉम इंडिया, यू फ्रॉम किर्गिस्तान, यू फ्रॉम, я не понимаю ваш язык, यू रशियन रशियन रशियन, ये дом куда, дом Актау, у меня Актау, я в Актау живу, да, я Актау जा रहा हूं, मैं एकता एयरपोर्ट में ही जा रहा हूं, तो спасибо большое, нормально нормально, थैंक यू। मुझे एकताओ के लिए डायरेक्ट एकताओ के लिए मुझे लिफ्ट मिल गया। यही है, कोशिश करते रहना है हिचहाइकिंग का, यही है एक्सपीरियंस, यही है पार्ट, आपको बस यू नो इन्फिनिटी कोशिश करते जाना है, बिना एक्सपेक्ट किए जो भी होगा देखा जाएगा, और सब बिलीव के ऊपर ये सिस्टम है, पूरा सिस्टम बिलीव के ऊपर चलता है। आप जितना खुद के ऊपर भरोसा करते जाओगे, आपको यू नो लिफ्ट किया हर कुछ धीरे धीरे हर एक इम्पॉसिबल आपका पॉसिबल होता जाएगा। मुझे आज तक यही मुझे सीखने को मिला हिचहाइकिंग के।